Hello students, in the last video we have started with the continuous time convolution and we have studied the most important property of continuous time convolution, that is differentiation property, and we have also studied time shifting property and scaling properties. Okay, now in this video we will continue with our analysis of continuous time convolution and we will start with the graphical method. Okay, सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड ऑफ कंटीन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन. ओके, तो जैसा मैं आपको प्रीवियस वीडियोस से बोलता आ रहा हूँ कि सिग्नल सिस्टम प्योर मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको कोई भी मेथड समझने के लिए न्यूमेरिकल का ही यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके थ्रू हम लोग ये मेथड अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, तो सपोज करिए आपको एक्स टी गिवन है यहां पर e की पावर माइनस टू टी यू टी. ओके, एंड एच टी आपको गिवन है u ऑफ t माइनस फोर. ठीक है, ये आपको यहां पर एक्स टी और एच टी गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है वाई टी, रिस्पॉन्स ऑफ एल टी आई सिस्टम. अब हमें पता है कि जो वाई टी होगा आपका वो क्या होगा, एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी. ओके, और जो फॉर्मूला है आपका वो भी हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ. ओके, बट हमें यूज किसका करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करना है. तो ये क्या होता है ग्राफिकल मेथड, ये हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स टी और एच टी जो हमें गिवन है पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो आपका एक्स टी है वो यू टी के फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना. जो आपका ई की पावर माइनस टू टी है वो यू टी से मल्टीप्लाइड है, मतलब नेगेटिव साइड प्रेजेंट नहीं होगा. तो ई की पावर माइनस टू टी क्या है आपका, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है. ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्स टी और वर्सेस टी. ओके, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो पर वन. सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर एच टी की, तो एच टी है आपका यू टी माइनस फोर. ठीक है, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, फोर से अप टू इंफिनिटी तक. एम्पलीट्यूड इसका भी क्या हो जाएगा, वन. ठीक है ना, अब आप देखिए आपने एक्स टी और एच टी ड्रॉ कर लिया है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्स टाउ या जो आपका इंटीग्रेशन है वो टाउ के रेस्पेक्ट में है, मतलब आपको वेरिएबल को टाउ लेना है ना कि टी. ओके, तो मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, जो वेरिएबल आपका टी है ना उसे मैं टाउ में चेंज कर रहा हूं. क्लियर है अच्छे से, तो ये आपका बन जाएगा एक्स टाउ एंड एच टाउ. ठीक है, तो हम लोग यहां लिख देते हैं टी की जगह टाउ. क्लियर, अब आप देखिए आपको एक्स टाउ और एच टाउ मिल गया, लेकिन आपका जो टारगेट है वो है एच ऑफ टी माइनस टाउ का. तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करेंगे h ऑफ माइनस टाउ. ठीक है, उसके बाद आप पहले से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये माइनस टाउ आपका हो गया ड्रॉ. अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस टाउ में अगर हम प्लस t कर दें, ठीक है ना, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, t माइनस टाउ प्लस t. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसा आपने डिस्क्रीट में भी देखा था, आपको जो भी पॉइंट दिख रहे हैं टाउ के, जैसे यहां पर एक पॉइंट दिख रहा है माइनस फोर, तो बस आप माइनस फोर प्लस टी कर दीजिए. क्लियर है अच्छे से, तो ये आपका बन गया यहां पर एच ऑफ टी माइनस टाउ. तो हमारे पास अब एक्स टाउ भी है और एच ऑफ टी माइनस टाउ भी है. ठीक है, एक्चुअल में करना क्या है, आपको दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेट करना है टाउ के रेस्पेक्ट में, बट हम वाया ग्राफ इसे एनालिसिस करेंगे. अब आप देखिए अगर यहां पर मैं कुछ केसेस बना लूं, क्योंकि मुझे टी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई है कि किस वैल्यू पर मुझे वाई टी निकालना है, तो मैं यहां पर कुछ केसेस बना लेता हूं आपके लिए. देखिए यहां पर मैं एक केस ले रहा हूं, केस वन. यहां पर देखिए अगर मैं ऐसा लूं कि ये जो टी माइनस फोर है वो जीरो से लेस है. देखिए आपको ये बात समझनी होगी कि एक्स टाउ जो है उसमें टाउ की लिमिट क्या है, जीरो से इंफिनिटी. एच ऑफ टी माइनस टाउ में जो टाउ की लिमिट है वो कितनी है आपकी, माइनस इंफिनिटी से टी माइनस फोर. देख सकते हैं आप नेगेटिव साइड है ये, तो माइनस इंफिनिटी से टी माइनस फोर है.
तो ये टी की वैल्यू पे काफी कुछ डिपेंड करने वाला है पूरा का पूरा एनालिसिस। तो अगर मैं बोलू टी माइनस फोर लेस देन जीरो है, तो एक्स टाउ जो है वो लेस देन जीरो पे प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका जीरो, तो आपका कंप्लीटली जो वाई टी है वो क्या हो जाएगा जीरो। तो टी माइनस फोर लेस देन जीरो वाई टी क्या हो जाएगा आपका जीरो, और इसकी मीनिंग क्या है टी लेस देन फोर। तो जब भी टी लेस देन फोर होगा तो आपका जो वाई टी है वो कितना होगा आपका जीरो होगा। क्लियर है अच्छे से। नाउ अगर मैं केस टू ऐसा कुछ ले लूं कि जो आपका टी माइनस फोर है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो होता है ठीक है ना, तो एक्स टाउ भी ग्रेटर देन जीरो पे प्रेजेंट है, और टी माइनस टाउ जो एच ऑफ टी माइनस टाउ है, अगर इस पे टी माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये भी जीरो से ग्रेटर वैल्यू पर प्रेजेंट होगा। टाउ की वैल्यू जब जीरो से ग्रेटर होगी तो उस पे ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है अच्छे से। मतलब हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा लिमिट दोनों सिग्नल्स में, मतलब एक्स टाउ और एच ऑफ टी माइनस टाउ का मल्टीप्लीकेशन आपका जीरो नहीं होगा इस केस में, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे अब समझूं तो आप देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं बोल रहा हूं यहां पर कि टी माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैं ऐसा ले रहा हूं। इसके मीनिंग क्या है टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर। मान लीजिए आपका टी माइनस फोर जो है वो आपका टेन है, ठीक है, तो टी माइनस फोर जो है टेन है, टी माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैं ले रहा हूं टी माइनस फोर आपका टेन है, तो उस केस पे क्या होगा, ये जो t माइनस फोर वाला पॉइंट है वो यहां आ जाएगा और आपका फिगर कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब माइनस इन्फिनिटी से t माइनस फोर, जो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10, तो माइनस इन्फिनिटी से 10 तक आपका प्रेजेंट होगा h ऑफ t माइनस टाउ, और x टाउ कहां से कहां तक प्रेजेंट है, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो जीरो से 10 तक दोनों सिग्नल कॉमन है, इसका मतलब जीरो से t माइनस फोर तक दोनों सिग्नल कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट जो है yt में वो अगर मैं ले लू जीरो से t माइनस फोर, तो आंसर yt का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आपकी आएगी, जीरो नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। क्लियर है अच्छे से। तो अब आप देखिए यहां पर अगर मैं जीरो से t माइनस फोर लिमिट लेता हूं तो x tau अब आपका कितना है, x tau है e की पावर माइनस टू tau u tau, लेकिन आपको पता है आपने लिमिट डिसाइड कर ली है, और एक बार अगर हम लिमिट डिसाइड कर लें इसका मतलब क्या होता है, यूटी का जो रोल है वो फिनिश हो जाएगा। यूटी का काम सिर्फ और सिर्फ लिमिट डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो लिमिट आपकी आ चुकी है जीरो से टी माइनस फोर, तो आप एक्स टाउ की जगह क्या पुट करेंगे, ई की पावर माइनस टू टाउ, ठीक है। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं ई की पावर माइनस टू टाउ। नाउ अगला क्या है, एच ऑफ टी माइनस टाउ, मतलब h ऑफ t माइनस टाउ यू ऑफ t माइनस टाउ माइनस फोर, ये हो जाएगा आपका। तो यहां पर अब आप समझिए ये पूरा फंक्शन ही u का फंक्शन है, तो अगेन लिमिट डिसाइड हो चुकी है, मतलब u का रोल फिनिश हो चुका है, और जब u का रोल फिनिश हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं वन, तो h ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू वन ही हो जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा d टाउ, ठीक है ना, टाउ के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब आप yt के लिए इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा e की पावर माइनस टू टाउ अपॉन माइनस टू जीरो से t माइनस फोर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अगर आप लिमिट अब पुट कर दें तो आपका वन अपॉन माइनस टू आउटसाइड हो जाएगा, तो चूंकि यहां पर माइनस टू है तो आप चाहे तो पहले लोअर लिमिट पुट कर लीजिए और अपर लिमिट पुट कर लीजिए और उसे प्लस टू ले लीजिए। तो मैं यहां पर 1 बाय 2 को आउटसाइड ले रहा हूं, लोअर लिमिट क्या है 0 है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 1, अपर लिमिट आपकी क्या है यहां पर t माइनस 4, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2 t माइनस 4। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आंसर आया है आपका वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए आया है। इस केस को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ut माइनस फोर, क्योंकि ut माइनस फोर जो होगा वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ही 1 होगा,
उससे सारी छोटी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारा आंसर भी यही था, केस वन केस टू को आप देख सकते हैं। तो अगर आप केस वन केस टू को मिला के लिखना चाहें तो वो बहुत बेटर अप्रोच है कि आप लिख दीजिए यू टी माइनस फोर। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आपको समझना होगा ये क्वेश्चन में आपने पूरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है कि जब भी आपका टी लेस देन फोर है तो वाई टी आपका जीरो है, जब भी टी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है तो वाई टी जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए जब आपको एक्स टी और एच टी गिवन होते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करिए ग्राफिकल मेथड को फिर से, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पर एक अगेन एल टी आई सिस्टम गिवन है जिसके लिए आपको एक्स टी एंड एच टी आपको गिवन है, ओके। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके से गिवन है एल टी आई सिस्टम, ये आपको एल टी आई सिस्टम का इनपुट गिवन है एक्स टी, ठीक है। वन टू थ्री फोर टी की वैल्यूज हैं, एम्पलीट्यूड जो है आपका वन एंड टू है। और आपको जो एच टी गिवन है यहां पर, एच टी आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, स्टेप फंक्शन ही गिवन है लेकिन शिफ्टेड स्टेप आपको गिवन है यहां पर, ये आपको गिवन है एच टी फंक्शन, ओके। और एम्पलीट्यूड है आपका वन। तो एक्स टी और एच टी आपको गिवन है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो यहां पर ये है कि आपको टी के दो वैल्यूज गिवन है जिसके लिए आपको वाई टी निकालना है, ओके। तो यहां पर आपको वाई टी कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू वन, एंड वाई टी कैलकुलेट करना है एट टी इक्वल टू 1.5, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहां पर अब आपको केसेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर डायरेक्टली आपको टी की वैल्यू दे दी है जिसपे आपको वाई टी कैलकुलेट करना है। तो स्टेप तो वही रहेंगे आपके, सबसे पहले आपको एक्स टाउ निकालना होगा। तो पहले हम एक्स टाउ निकाल लेते हैं, जस्ट टी की जगह हमें क्या पुट करना होगा, टाउ। तो ये हमारा फिगर एज इट इज हो जाएगा, जस्ट टी की जगह हम टाउ पुट कर देंगे, ओके। तो टाउ की वैल्यू आपका यहां पर 1 से लेकर 4 तक आपका फिगर बन जाएगा, ओके। क्लियर है? 1, 2, 3 एंड 4। और एम्पलीट्यूड क्या है आपके, 1 एंड 2, ठीक है। आप देख सकते हैं सेम फिगर है आपका। नाउ अब हमें एच ऑफ टाउ कैलकुलेट करना है, तो अब हम एच ऑफ टाउ कर लेते हैं यहां पर सिंपली। बस हमें क्या करना है, टी की जगह टाउ पुट कर देना है। तो एच ऑफ टाउ क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पर आपका माइनस टू से माइनस इंफिनिटी तक फैला होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका माइनस टू से माइनस इंफिनाइट तक, और एम्पलीट्यूड क्या है आपका, वन है। तो ये हमारा एक्स टाउ और एच ऑफ टाउ कैलकुलेट हो गया। बट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है एच ऑफ टी माइनस टाउ। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एच ऑफ माइनस टाउ। तो एच ऑफ माइनस टाउ क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा। तो आपका एच ऑफ माइनस टाउ कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है एच ऑफ टी माइनस टाउ। एच ऑफ टी माइनस टाउ के लिए क्या सिखाया हूं मैं आपको, एच ऑफ माइनस टाउ में सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस टी परफॉर्म करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस टी, और एम्पलीट्यूड कितना है आपका, 1 है। क्लियर है अच्छे से? अब आप देखिए, अब आपको पता है कि आपको एक्स टाउ और एच ऑफ टी माइनस टाउ का मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करना है जिससे आपका वाई टी निकल जाएगा, ठीक है। बट आपको वाई टी जो है वो टी की दो डिफरेंट वैल्यू पर कैलकुलेट करने बोला है, टी इक्वल टू 1 एंड टी इक्वल टू 1.5, ओके। तो यहां पर अगर मैं आपके लिए एच ऑफ टी माइनस टाउ में टी की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो क्या निकालना होगा, एच ऑफ 1 माइनस टाउ, ओके। तो यहां पर आपका आंसर क्या बच जाएगा, टी की जगह आपने 1 पुट कर दिया मतलब टी प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, 3, ओके। अब आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है ना। आपको बेसिकली अब x tau और h of t माइनस tau यानी h of 1 माइनस tau का मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना है। तो x tau क्या है आपका, 1 टू 4 तक है, और h of 1 माइनस tau क्या है आपका, 3 टू इन्फिनिटी। तो कॉमन लिमिट क्या होगी, आप देखिए यहां पर
कॉमन लिमिट होगी आपकी 3 to 4, क्योंकि x tau जो है वो 4 के बाद 0 है और h of 1 minus tau जो है वो 3 के पहले 0 है, तो कॉमन लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 3 to 4, और आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया निकालना है। तो बेसिकली करना क्या है हमें, हमें बस ये चेक करना है कि 3 to 4 जो कॉमन लिमिट है उसमें आपका x tau का एम्पलीट्यूड कितना है। तो आप देख सकते हैं 3 to 4 में x tau का एम्पलीट्यूड कितना है आपका 2 है, और आपका h ऑफ 1 माइनस tau का एम्पलीट्यूड कितना है 1 है। क्लियर है अच्छे से? तो 3 to 4 के बीच में आपके जो दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग हैं। मैं एक काम करता हूं आपके लिए, दोनों फिगर को ओवरलैप करके आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है? तो यहां पर अब आप देखिए, आपका एक फिगर इस तरीके से था, ठीक है, जो आपका एक्स टाउ था, ओके 1 2 3 4, और एक फिगर है आपका एच ऑफ 1 माइनस टाउ जो आपके सामने है यहां पर। अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, ओवरलैप करके, तो ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आप देखिए बेसिकली आपको 3 to 4 के बीच में एरिया कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो आप देखिए एक्स टाउ कितना है आपका 3 to 4 के बीच में 2 है, और एच ऑफ 1 माइनस टाउ कितना है 1 है। तो आप क्या लिख सकते हैं वाई 1 को, देखिए आप लिख सकते हैं 3 to 4, ठीक है, एक है 1 और एक है 2 डी टाउ। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका आंसर आ गया, वाई 1 की वैल्यू आ गई आपकी 2। एक और क्वेश्चन है वाई ऑफ 1.5, इसे हम देखते हैं, अब एनालाइज करते हैं। देखिए जब आप y ऑफ 1.5 कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका मतलब आपको t की वैल्यू पुट करनी है 1.5, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो h ऑफ t माइनस tau लिखा है ना, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा h ऑफ 1.5 माइनस tau, मतलब t की जगह आपको 1.5 पुट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले h ऑफ 1.5 माइनस tau, तो हमें क्या करना होगा, यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है t प्लस 2, इस पे हमें t की जगह पुट करना होगा 1.5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3.5। क्लियर है अच्छे से? तो 3.5 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगा आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा 1। नाउ आपको फिर से वही टास्क करना है। अब आप देखिए जो x tau है आपका, हमने यहां भी बना रखा है उसे 1 to 4 तक है, ठीक है, और जो आपका h ऑफ 1.5 माइनस tau है वो 3.5 से इंफिनिटी है, तो कॉमन लिमिट क्या हो जाएगी 3.5 से 4, ठीक है। तो जो आपका y ऑफ 1.5 है क्या हो जाएगा 3.5 से 4, ठीक है, उसमें आपका देखिए x tau कितना है 2 है, क्लियर, और जो आपका h tau है, h ऑफ 1.5 माइनस tau आप बोल सकते हैं, वो कितना है 1 है। तो क्या करेंगे 2 + 1 डी टाउ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 2 × 0.5 दैट इज 1। तो आपका y ऑफ 1.5 आ जाएगा 1। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बनने चाहिए जहां पर आपको डायरेक्टली t की वैल्यू दी गई हो जिसपे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहां पर हमें t की वैल्यू गिवन थी जिस पे हमें yt रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना था, ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कंसीडर करेंगे ग्राफिकल मेथड के बाद। नेक्स्ट टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है फॉर्मूला मेथड, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखिए आप नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप आपने डिस्क्रीट में भी स्टडी कर रखा है। मान लीजिए आपको xt गिवन है e की पावर -at ut और ht आपको गिवन है ut, ओके अब आपको इसके लिए कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए आपको yt कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है yt जो होता है आपका वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x tau h ऑफ t माइनस tau d tau, ओके। तो यहां पर अब अगर मैं सबसे पहले x tau और h ऑफ t माइनस tau की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x tau
e की पावर माइनस a tau u tau h of t minus tau, मतलब u of t minus tau, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया x tau और h of t minus tau की वैल्यूज. नाउ अब हमारा टास्क क्या है यहां पर, अब हमारा टास्क ये है कि हमें u tau और u of t minus tau का एनालिसिस करना है और हमें अपने इंटीग्रेशन की लिमिट यहां पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, tau की लिमिट्स हमें निकालनी है. तो आप देखिए, हमें पता है u tau होता है आपका 1 फॉर tau ग्रेटर देन 0, ओके, 0 होता है फॉर tau लेस देन 0 एंड हाफ होता है फॉर tau इक्वल टू 0. ये आपका कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है ना, ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. अब अगर मैं बात करूं u ऑफ t माइनस tau की, तो u ऑफ t माइनस tau 1 होगा फॉर t माइनस tau ग्रेटर देन 0, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि tau लेस देन t के लिए, ठीक है ना. जैसे ही आपका tau जो है वो लेस देन t होगा, आपका u t माइनस tau क्या होगा, 1, 0 होगा फॉर t माइनस tau लेस देन 0, मतलब जैसे ही आपका tau ग्रेटर देन t होगा तो आपका u t माइनस tau क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड हाफ होगा फॉर t माइनस tau इक्वल टू 0, दैट इज जैसे ही आपका t की वैल्यू क्या होगी, tau, या बोल सकते हैं जैसे ही आपकी tau की वैल्यू किसके इक्वल होगी, t के इक्वल, तो आपका u ऑफ t माइनस tau किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से. तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए कि जो आपका u tau है वो 0 कब होता है, जब tau लेस देन 0 होता है. tau ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1 या 1 बाय 2 कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो आप कभी भी tau लेस देन 0 नहीं जा सकते, क्योंकि u tau 0 होगा. और अगर u tau 0 होगा तो ये कंप्लीट जो yt है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो y t में जो आपकी tau की लिमिट है वो लेस देन 0 कभी नहीं हो सकती, मतलब लिमिट जो होगी, लोअर लिमिट, वो 0 से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल फिक्स हो गया. अब देखिए, जो u ऑफ t माइनस tau है वो 0 कब होता है, जब tau ग्रेटर देन t होता है, मतलब कभी भी ग्रेटर देन t नहीं हो सकता tau, अदरवाइज u ऑफ t माइनस tau 0 हो जाएगा. और u ऑफ t माइनस tau 0 होगा तो आपका कंप्लीटली yt भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर है. इसका मतलब जो आपकी tau की रेंज होगी वो होगी 0 से लेकर t तक. ओके, क्लियर है अच्छे से, ना तो t से बड़ी हो ना ही 0 से छोटी हो. बट एक और एनालिसिस है, ये t की रेंज क्या होगी. इंटीग्रेशन की लिमिट तो हमने निकाल ली, tau की रेंज हमें पता चल गई, लेकिन t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होनी चाहिए, ये हम चेक करते हैं. देखिए, u tau हमें पता है, u tau हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से. देखिए, 0 पे स्टार्ट होगा आपका, और कहां तक जाएगा ये, पूरा इनफिनाइट तक, ठीक है. और एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, 1. सिमिलरली अगर मैं बात करूं u ऑफ t माइनस tau की, तो पहले आपको u ऑफ माइनस tau ड्रॉ करना होगा, तो ये आपका y एक्सिस के रेस्पेक्ट में पलटी खा जाएगा यहां पर, ठीक है. ये बन गया u ऑफ माइनस tau. नाउ अगर आप ध्यान से देखें, अब u ऑफ माइनस tau में अगर मैं माइनस tau में प्लस t कर दूं तो क्या निकल जाएगा, t माइनस tau. तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली आपको जो जो पॉइंट दिख रहे हैं, 0 वाला पॉइंट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको, तो 0 प्लस t कर दीजिए आप, तो ये निकल गया u ऑफ t माइनस tau. अब आपको पता है u tau एंड u ऑफ t माइनस tau आपके मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का अगर आंसर 0 हो गया तो yt कंप्लीटली 0 हो जाएगा. अब आप देखिए, जो आपका u tau है वो tau की वैल्यू 0 से स्टार्ट है. अगर मैं u ऑफ t माइनस tau में ध्यान से देखूं, अब अगर सपोज करिए मैं t की वैल्यू यहां पर माइनस 1 ले लूं, तो u ऑफ t माइनस tau में tau की वैल्यू माइनस 1 से स्टार्ट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है ना. अगर मैं t की वैल्यू माइनस 1 लेता हूं तो u tau एंड u ऑफ t माइनस tau में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. अगर मैं माइनस 0.1 भी लूं, फिर भी ये माइनस 0.1 से माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, और फिर से आपका u tau एंड u ऑफ t माइनस tau में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा. इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये है कि आपको
t की वैल्यू 0 से कम नहीं रखनी है। देखिए अगर आप 0 रखते हैं t की वैल्यू, तो 0 पर यहां कोई फाइनाइट वैल्यू है, 0 पर u tau में भी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन हो के कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आंसर आ जाएगी। अगर आप t की वैल्यू मान लीजिए 1.1 रखते हैं, तो 1.1 पे या 0 से 1.1 तक u of t minus tau प्रेजेंट होगा, और 0 से 1.1 तक आपका u tau भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो आपका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें सोचना आना चाहिए। तो यहां पर ये बात तो सही है कि जो tau की लिमिट है वो 0 से t होगी, बट साथ ही साथ t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? तो अब हम लोग यहां पर अगर जो yt का आपका इक्वेशन है उसमें अगर हम tau की लिमिट पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 से t e की पावर माइनस a tau d tau, u tau और u of t minus tau का रोल फिनिश हो गया क्योंकि हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली है। ओके, तो यहां पर देखिए yt हो जाएगा आपका 0 से t e की पावर माइनस a tau d tau एंड t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से अगर मैं अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लूं तो e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय माइनस ए 0 से t, t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां पर माइनस ए है इसलिए अगर लोअर लिमिट पुट करूं तो 1 माइनस e की पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ut। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया था जब हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड की थी। तो आप यहां देख पा रहे होगे कि सेम क्वेश्चन आप कितने सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सेम क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया है उससे भी सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होंगे सॉल्व करने के, बहुत सारे मेथड्स होंगे, आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल मेथड चूज करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता तो मैं हमेशा यहां पर डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ही यूज करता क्योंकि उससे ज्यादा आसान कुछ नहीं होता यहां पर। ओके, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको अगर मेथड मेंशन है कि आपको ये मेथड यूज करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे ही यूज करिए। ओके, तो ये हमारा आंसर यहां पर आ गया। मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं ये बात समझाने के लिए कि जब भी अप से लेकर कोई भी क्वेश्चन में आपका यूटी यूटी आ जाए, एक्सटी और एचटी दोनों में, तो आपका अगर ये मेथड आप यूज करने वाले हैं तो लिमिट हमेशा आपकी सेम रहेगी और t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब आपको बार बार ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए xt है आपका e की पावर माइनस टू टी यू टी और ht है आपका e की पावर माइनस थ्री टी यू टी, दोनों ही केस पे आप देख सकते हैं यहां पर कि आपका जो यूटी यूटी है वो प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं yt यहां लिखना चाहूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 0 से t, ओके, x tau e की पावर माइनस टू tau h ऑफ t माइनस tau e की पावर माइनस थ्री t माइनस tau d tau, ठीक है ना। अब आपको वापस से u tau एंड u ऑफ t माइनस tau लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही उसका एनालिसिस करना है आपको, ये ऑलवेज आपका वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही होने वाला है कि yt के फॉर्मूले में आपका u tau एंड u of t माइनस tau आने वाला है। ठीक है, उसका एनालिसिस आपने एक बार कर लिया, अगर एग्जाम में आपको लिमिट्स याद हैं तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, आप एग्जाम में डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए yt आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और यहां पर tau के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है, तो e की पावर माइनस थ्री टी क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड 0 से t, और यहां पर आप देखिए e की पावर, अगर आप देखें यहां पर माइनस टू tau है और e की पावर प्लस थ्री tau है, ठीक है, तो थ्री tau माइनस टू tau सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका tau d tau, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आपका जो yt है वो कितना हो जाएगा आपका e की पावर माइनस थ्री टी, और अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करें e की पावर tau का तो e की पावर tau ही हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से t
and t should be greater than equal to 0. So e की power minus 3t और e की power t, okay, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर minus 1. और t greater than equal to 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ut. Clear अच्छे से. तो ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए क्योंकि आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आता ही है. आपको सिर्फ यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था कि आपको ये लिमिट निकालना आती हो बस या पता हो आपको. उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना था. क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका जब भी आपके किसी सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन किया जाए अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल के साथ तो किस तरीके का आंसर आपका जनरेट होगा. अब हमें यह एनालिसिस करना है. मान लीजिए आपको यहां पर एक्स टी कुछ इस तरीके से गिवन है सिग्मा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस के टी. ओके ये आपको गिवन है एक्स टी. क्लियर है अच्छे से. और आपको एच टी कुछ इस तरीके से गिवन है. एच टी जो है आपको एक रेक्टेंगल गिवन है यहां पर फ्रॉम माइनस टू से प्लस टू. ओके एम्पलीट्यूड है आपका 1. ये गिवन है आपको एच टी. ठीक है क्लियर है अच्छे से. तो अब आप देखिए आपको यहां पर तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक आपको जो कैपिटल टी की वैल्यू यहां पर गिवन है वो आपको गिवन है 6. एक आपको कैपिटल टी की वैल्यू यहां पर गिवन है 4. और एक आपको कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है 2. ओके तो कैपिटल टी की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको कॉन्वॉल्वड सिग्नल दैट इज आपको रिस्पॉन्स वाई टी कैलकुलेट करना है यहां पर. ओके क्लियर है अच्छे से. तो हम 1 by 1 तीनों क्वेश्चन को करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार एक्स टी को ड्रॉ करके देख लेते हैं. एक्स टी का पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्स टी आपका किस तरीके का सिग्नल है. तो ध्यान से देखिए अब आप यहां पर एक्स टी आपका समेशन के फॉर्म में जरूर दिया है लेकिन है ये कंटिन्यूअस सिग्नल ना. एक्स टी गिवन है ध्यान रखिएगा. तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पर बेसिकली इंपल्स का समेशन है. ठीक है ना. तो के की रेंज आपकी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है. अगर सपोज करिए मैं माइनस टू से प्लस टू के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करूं ठीक है तो क्या हो जाएगा. अगर मैं k की वैल्यू माइनस टू रखूं तो डेल्टा t प्लस टू टी मतलब आपका इंपल्स कहां पर होगा माइनस टू टी पर. t प्लस टू टी है ना तो इंपल्स हो जाएगा हमारा माइनस टू टी पर. ओके अब अगर मैं यहां पर k की वैल्यू रखूं माइनस वन तो डेल्टा t प्लस टी मतलब इंपल्स कहां पर हो जाएगा आपका माइनस टी पर. अब अगर मैं रखूं k की वैल्यू 0 तो क्या आ जाएगा डेल्टा t और इंपल्स क्या हो जाएगा आपका 0 पर. सेम अगर k की वैल्यू 1 रखूं तो t पर और 2 रखूं तो 2t पर. अब आप सो ऑन कर सकते हैं यहां पर. अब 2 कहां तक चल जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक पॉजिटिव साइड और माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव साइड. क्लियर है अच्छे से. तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए जो डेल्टा है आपका हर एक डेल्टा का एम्पलीट्यूड सामने क्या है आपका 1 है. ठीक है ना तो यहां पर आपका 1 ही रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. अब आप यहां पर देखिए ये आपको गिवन है एक्स टी और आपको जो एच टी गिवन है वो आपको एक रेक्टेंगल गिवन है माइनस टू से प्लस टू तक. आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपको एक्स टी गिवन है वो आपका पीरियोडिक सिग्नल है. इसका पीरियड कितना है आपका कैपिटल टी है. हर एक कैपिटल टी के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. दिख रहा है हम लोग को अच्छे से. नाउ अब अगर मैं यहां पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो हमें वाई टी कैलकुलेट करना है जो कि होगा एक्स टी कॉन्वॉल्वड विथ एच टी. ओके तो एक्स टी का जो आपका इक्वेशन है वो क्या है समेशन डेल्टा टी माइनस के टी. हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर समेशन के की लिमिट है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट डेल्टा टी माइनस के टी कॉन्वॉल्वड विथ एच टी. ओके नाउ अब आप देखिए यहां पर अगर मैं इसका कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना चाहता हूं तो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है कि आपका इंपल्स के साथ कॉन्वोल्यूशन बहुत इजी होता है. सेम सिग्नल वापस मिल जाता है बस जितनी शिफ्टिंग है वो आ जाती है. यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए
यहां पर जो आपका समेशन है वो k का है, मतलब इस समेशन के अंदर जो स्मॉल t है वो कांस्टेंट है, मतलब अगर समेशन के अंदर आप स्मॉल t वाला टर्म को रहने दें या बाहर कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, या किसी बाहर वाले स्मॉल t वाले टर्म को अगर आप समेशन के अंदर ले आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समेशन आपका k का है, स्मॉल t का नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, ओके, और यहां पर आपका एक टर्म हो जाएगा डेल्टा टी माइनस के टी, तो डेल्टा टी माइनस के टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी। तो मैंने एच टी वाले टर्म को जो समेशन के आउटसाइड था इनसाइड ले आया, क्यों फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि समेशन k का है, स्मॉल t का नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें फायदा यह हुआ कि अब आपका डायरेक्टली कॉन्वोल्यूशन हो रहा है एच टी का इंपल्स के साथ, और हमें पता है आंसर इसका एच टी माइनस के टी, ओके, जितनी आपकी शिफ्टिंग हो रही है बस वो टर्म आपका आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से। तो हमें यहां पर आउटपुट मिल गया, बट हमें आउटपुट को ड्रॉ करना है फॉर थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपिटल टी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल टी की वैल्यू आप ले रहे हैं 6, अगर मैं उसके लिए अब आउटपुट को ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो वाई टी हो क्या जाएगा एक्चुअल में, देखिए, समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एच ऑफ टी माइनस 6k, क्लियर है अच्छे से, कैपिटल टी की वैल्यू आपने पुट कर दी यहां पर 6, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एच टी है क्या, एच टी है आपका माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में एक रेक्टेंगल जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, ठीक है। तो अब अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं यहां पर वाई टी को, तो आप देखिए k की लिमिट जो है वो माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है, अगेन फिर से वही बात है कि हम माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट तक तो पूरा ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम माइनस 2 से प्लस 2 तक ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2, तो क्या आ जाएगा एच टी प्लस 12, ठीक है ना, टी प्लस 12 आ जाएगा। एच टी आपको पता है रेक्टेंगल है माइनस 2 से प्लस 2 तक का, अगर आप k की वैल्यू यहां माइनस 2 पुट करते हैं तो एच टी प्लस 12 आ गया, टी प्लस 12 मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा माइनस 12 से, ठीक है ना। तो आपका किस तरीके से बन जाएगा, जब आप लोग ड्रॉ करेंगे एच टी प्लस 12, ओके, तो देखिए यहां पर ये आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा एच टी जो है, ठीक है, उसकी लिमिट क्या थी आपकी माइनस 2 से प्लस 2 थी, तो ये कितना हो जाएगा जब 12 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो माइनस 14, ओके, और प्लस 2 में जब आप करेंगे यहां पर माइनस 12 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 10, ओके, तो ये बन गया आपका एच टी प्लस 12। अब आप देखिए जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर माइनस 1 तो क्या बन जाएगा एच टी प्लस 6, मतलब आपका जो एच टी है वो 6 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आप देखिए यहां पर आपका लोअर लिमिट क्या थी एच टी की माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 8 और ये कितना हो जाएगा माइनस 4, क्लियर है। अब आप देखिए जब आप पुट करेंगे k की वैल्यू 0 तो एच टी बन जाएगा, एच टी तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर क्या रेंज है आपकी माइनस 2 से प्लस 2, क्लियर है यहां तक। नाउ जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या बन जाएगा एच टी माइनस 6, मतलब आपका एच टी जो है वो 6 से राइट साइड शिफ्ट होगा, तो कितना बन जाएगा यहां पर आपका ये अपर लिमिट क्या हो जाएगी 8, ठीक है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 4। जब आप पुट करेंगे यहां पर k की वैल्यू 2 तो एच टी माइनस 12, मतलब 12 से राइट साइड शिफ्ट होना है एच टी को, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 14, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 10, ठीक है ना, डैश 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 करके अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव साइड प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, नेगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी तक, क्लियर है अच्छे से। और ये सिग्नल क्या है आपका वाई टी, और एम्पलीट्यूड सबके क्या है आपके 1। तो यहां पर आपका वाई टी ड्रॉ हो गया है फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपने कैपिटल टी की वैल्यू क्या ली हुई है 6 ली हुई है, क्लियर है अच्छे से। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैपिटल टी की वैल्यू हमें लेनी है 4, ओके, तो अब आप देखिए जो वाई टी है आपका क्या हो जाएगा, समेशन के इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एच टी माइनस, ओके,
अब आपको कैपिटल टी की वैल्यू रखनी है 4, तो 4k हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अगेन आपकी k की लिमिट माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है, तो हम माइनस 2 से प्लस 2 तक ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं अब वाई टी, ठीक है, फॉर k की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2, फिर हम डैश डैश करके बोथ साइड शो कर देंगे। तो आप देखिए, जब आप k की वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा एच टी प्लस 8, मतलब जो आपका एच टी है ना माइनस 2 से प्लस 2 वाला एच टी, वो 8 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस 10 से माइनस 6, क्लियर है अच्छे से, ठीक है ना। नाउ अब आप देखिए, k की वैल्यू जब आप पुट करेंगे माइनस 1, तो क्या आएगा एच टी प्लस 4, मतलब 4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एच टी आपका 4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए आप, तो कितना बन जाएगा ये आपका माइनस 6 से माइनस 2, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर देखिए, माइनस 6 से माइनस 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये दो लाइन क्या हो जाएगी आपस में कॉमन हो जाएगी, तो आप इस लाइन को यहां पर कॉमन कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका बन गया, ठीक है। नाउ अगला क्या है आपका, आप देखिए यहां पर, अब यहां पर आप माइनस 6 को भी रिमूव कर दीजिए जो एक्स्ट्रा है एक और। अब अगला क्या आ जाएगा आप देखिए, यहां पर आ जाएगा जब आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एच टी आ जाएगा, तो माइनस 2 से प्लस 2 है। यहां पर देखिए लाइन अब आपकी कॉमन है ना, अब आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इसलिए मैंने आपको लास्ट केस में अलग अलग लाइन ड्रॉ की थी आपको ये समझाने के लिए कि माइनस 6 वाली लाइन कॉमन है। यहां पर कौन सी लाइन कॉमन है, अब माइनस 2, तो माइनस 2 से प्लस 2 आ जाएगा आपका, ओके। फिर जब आप k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एच टी माइनस 4, मतलब 4 से राइट साइड शिफ्ट, तो कितना हो जाएगा ये आपका, जब आप इसे 4 से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 से 6 तक चला जाएगा आपका। फिर जब आप पुट करेंगे k की वैल्यू 2, तो एच टी माइनस 8, मतलब आपका जो एच टी है वो 8 से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 से लेकर 10, और डैश डैश करके आप प्लस इन्फिनिटी और डैश डैश करके माइनस इन्फिनिटी यहां पर शो कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड 1, और ये ड्रॉ हो गया हमारा वाई टी। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन के लिए था, जहां हमने टी की वैल्यू क्या पुट की है, कैपिटल टी की वैल्यू 4, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब आप थर्ड क्वेश्चन में आपको कैपिटल टी की वैल्यू पुट करने बोला है 2, और yt क्या बन जाएगा इसके कारण, समेशन k इक्वल टू माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट h ऑफ t माइनस 2k, ओके। कैपिटल t की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, तो ये हो गया आपका t माइनस 2k, क्लियर। नाउ अब अगर मैं yt को फिर से यहां पर ड्रॉ कर लूं, तो आप देखिए कैसे ड्रॉ होगा ये yt। देखिए अगेन k की लिमिट आपकी माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट है, तो हम यहां पर माइनस 2 से प्लस 2 तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, जब आप k की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एच टी प्लस 4, टी प्लस 4 मतलब एच टी आपका 4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका यहां पर माइनस 6, ओके, और ये कितना बन जाएगा आपका यहां पर माइनस 2, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका जो एच टी था, जो कि माइनस 2 से प्लस 2 तक था, वो 4 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ, तो माइनस 2 वाली वैल्यू बन गई माइनस 6, प्लस 2 वाली वैल्यू बन गई माइनस 2, क्लियर। नाउ अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप जब यहां पर एच टी माइनस 2k में जब k की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1, तो ये बन जाएगा एच टी प्लस 2, मतलब आपका 2 से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। एच टी जो है वो 2 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो एच टी आपका माइनस 2 से प्लस 2 तक था, तो कहां से कहां बन जाएगा आपका 0 से 4 तक, 0 से एक्चुअल में माइनस 4 तक, ठीक है ना, नेगेटिव साइड हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका 0 से लेकर माइनस 4 तक, ठीक है। सब रेक्टेंगल के शेप आपके इक्वल होंगे ना, ध्यान रखिएगा, मतलब साइज जो विथ है सबकी सेम होगी, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा एच टी माइनस 2, मतलब आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 4 अगेन,
जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ht माइनस 4, मतलब आपका 4 से राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, ht क्या होता है, माइनस 2 से प्लस 2, तो जब आप 4 से राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 6, ओके, तो ये आपका ड्रॉ हो गया 2 से 6 तक, ओके, तो आप डैश डैश करके अब अप टू इनफिनिटी तक शो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस साइड इनफिनिटी, नेगेटिव साइड माइनस इनफिनिटी, एम्पलीट्यूड भी शो कर दीजिए, जो अपर एम्पलीट्यूड है कितना है आपका 1 है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप ऑब्जर्व करिए, जो आपने थर्ड केस के लिए बनाया है वहां पर आपके दो दो जो सैंपल्स हैं, सैंपल्स मत बोलिए, आप बोल दीजिए दो दो जो आपके रेक्टेंगल्स हैं, जो आंसर में आपके रेक्टेंगल्स आ रहे हैं वो आपस में ओवरलैप हो जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहां पर 2 टू 4 के बीच पे आपका ओवरलैपिंग है और माइनस 2 से माइनस 4 के बीच पे भी ओवरलैपिंग है और वो सो ऑन चलते चले जाएगी, जैसे जैसे आप फिगर को आगे ड्रॉ करेंगे ओवरलैपिंग आपको मिलते जाएगी। जबकि अगर आप सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो यहां पर आपका रेक्टेंगल जो थे ओवरलैपिंग नहीं थी, भले ही उनकी लाइन जो थी कॉमन थी, ठीक है ना, जैसे माइनस 2 वाली लाइन कॉमन थी, प्लस 2 वाली लाइन कॉमन थी, प्लस 6 वाली लाइन कॉमन थी, लाइंस उनकी कॉमन थी, लेकिन वो एक के ऊपर एक नहीं आ रहे थे, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड केस था वो क्रिटिकल स्टेज था, उसके बाद ओवरलैपिंग चालू हो गई थर्ड स्टेज में। और अगर बात करें फर्स्ट स्टेज की तो इसमें आपकी ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं है, लाइन भी कॉमन नहीं है, बाकायदा हर दो रेक्टेंगल के बीच में गैप है आपका, 2-2 का गैप है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो ऐसा क्या है इन क्वेश्चंस में कि कुछ एक क्वेश्चन में आपका गैप है, सेकंड क्वेश्चन में गैप जीरो हुआ, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई मतलब आपका सिग्नल वेस्ट हो गया एक तरह से, क्योंकि जैसे ही आपका थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही आपकी ओवरलैपिंग हुई उस रेक्टेंगल में जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ओवरलैप हो गई दूसरे रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन के साथ, तो आपकी इंफॉर्मेशन वेस्ट हो गई, ठीक है ना। तो अगर आप समझें इसको, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वो था आपका कैपिटल टी इक्वल टू 6 के लिए, जिसमें आपका अच्छा खासा गैप था दो रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है ना, मैं फिर से ऑब्जर्व करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो है आपका वो कैपिटल टी इक्वल टू 4 के लिए है, जहां पर कोई गैप नहीं था, और थर्ड जो है वो कैपिटल टी इक्वल टू 2 के लिए जहां ओवरलैपिंग हो रही है। तो आप अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं कि कैपिटल टी की वैल्यू जैसे जैसे मैं डिक्रीज कर रहा हूं, गैप जो है वो कम होता चला जा रहा है और एक समय के बाद ओवरलैपिंग चालू हो जा रही है। इसकी मीनिंग क्या है अब, ठीक है, तो अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको अब देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए क्वेश्चन में जो आपका एच टी था उसका टोटल विथ कितना था, माइनस 2 से प्लस 2, मतलब टोटल विथ कितनी थी आपकी 4 थी, ठीक है, और कैपिटल टी की वैल्यू मैंने 6, 4 और 2 ली है, ठीक है। अब आप देखिए कंक्लूजन क्या है इस क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का क्या कंक्लूजन है, देखिए यहां पर समझिएगा, जब आपका जो एच टी है उसकी विथ 4 है और जब आपने पहले क्वेश्चन में कैपिटल टी की वैल्यू 6 ली, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपका पीरियोडिक सिग्नल था XT, उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल T इज ग्रेटर देन द विथ ऑफ जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल था, विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल, आप ये बोल दीजिए विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल, मतलब XT जो आपका था, तो आपका केस 1 आया, ठीक है ना, YT आपका पहला आंसर आया, जिसमें आपका जो YT आपको मिला उसमें आप देखिए YT एक प्रॉपर आपका पीरियोडिक सिग्नल है, आपके रेक्टेंगल जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर अच्छे से, और पीरियड भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना, जो चीज आपकी 2 पर हो रही है वही चीज 8 पर हो रही है, ठीक है, जो चीज आपकी यहां पर 0 पर हो रही है वही चीज यहां पर किस पे हो रही है आपकी 6 पर हो रही है, मतलब आपका पीरियड कितना है यहां पर 6 है, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन में आपका जो पीरियड आया है वो 6 आया है और यहां पर आपने जो XT का पीरियड भी लिया था, आप देख सकते हैं कैपिटल T इक्वल टू 6 लिया था, ओके, जो कैपिटल T है एक्चुअल में वो पीरियड किसका है आपका XT का है, आप देख सकते हैं यहां पर XT बना हुआ है आपका, ठीक है, जिसमें कैपिटल T XT का पीरियड है, तो कैपिटल T जो था XT का पीरियड था और वही पीरियड आपका YT का भी आया पहले क्वेश्चन में, ठीक है ना,
तो आप क्या बोलेंगे, कंक्लूजन वन क्या है, जब टाइम पीरियड टी इज ग्रेटर देन द विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल, ठीक है, तो उस केस में जो आपका वाई टी आएगा वो कंप्लीटली पीरियोडिक होगा विथ पीरियड टी. क्लियर है अच्छे से? नाउ सेकेंड कंक्लूजन देखिए, टाइम पीरियड जो एक्स टी का है टी, अगर वो इक्वल होता है विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल, ठीक है, विथ ऑफ नॉर्मल सिग्नल, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर उस केस में आपका होगा सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या था देखिए, इस केस में आपके पीरियोडिक तो है, नो डाउट अबाउट दैट, कि आपके रेक्टेंगल बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, जो चीज जीरो पर आ रही है सेम चीज फोर पर आ रही है, सेम चीज आपकी एट पर आ रही है, ठीक है, सेम आपकी माइनस फोर पर आ रही है, सेम आपकी माइनस एट पर आ रही है, मतलब आपका टाइम पीरियड फोर ही आ रहा है यहां पर भी. तो आप क्या बोलेंगे कंक्लूजन टू में, अगर टाइम पीरियड टी इक्वल टू विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल है तब भी आपका वाई टी जो होगा वो पीरियोडिक ही होगा विथ पीरियड टी. ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक. नाउ थर्ड पार्ट को देखिए, अब आप थर्ड पार्ट में जब आपका टाइम पीरियड टी जो है अगर लेस होगा विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल से, ओके, जो कि आपका है यहां पर, क्योंकि विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल मतलब विथ ऑफ एच टी आपकी 4 है और टाइम पीरियड है आपका 2. थर्ड केस में आपने एच टी का टाइम पीरियड क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है. तो उस केस में आप देखिए जो आपका थर्ड आंसर आया है उसमें ओवरलैपिंग हो रही है, पीरियोडिक सिग्नल आपको नहीं मिल रहा, आपको एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल रहा है. क्लियर है अच्छे से? तो आप क्या बोलेंगे, वाई टी विल बी डिस्टॉर्टेड, ओके, तो इस केस में आपका वाई टी डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. क्लियर है अच्छे से? इसका मीनिंग क्या है, अब आपका मीनिंग ये है आपका कि जब भी विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल इज लेस देन इक्वल टू पीरियड ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल रहेगा तब तक दोनों सिग्नल का कॉन्वल्यूशन आपको एक पीरियोडिक सिग्नल देगा, पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ नॉर्मल सिग्नल देगा. आप देख रहे थे पार्ट वन पार्ट टू में दोनों में ही रेक्टेंगल आपके पीरियोडिकली रिपीट हो रहे थे. तो जब भी आपका विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल इज लेस देन इक्वल टू पीरियड ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल होगा तो आपको पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ नॉर्मल सिग्नल मिलेगा. लेकिन जैसे ही आपका विथ ऑफ द नॉर्मल सिग्नल इज ग्रेटर देन हो जाएगा पीरियड ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल से, देन आपको एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा. क्लियर है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से? तो यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन को फिनिश कर रहा हूं आपके लिए. तो ये जो कंसेप्ट था वो था पीरियोडिक सिग्नल के साथ कॉन्वल्यूशन किस तरीके से किया जाता है. ओके, नाउ अब एक से दो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कराने जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, न्यू कंसेप्ट पर. देखिए एक न्यू क्वेश्चन है आपके लिए. मान लीजिए आपको यहां पर पीटी गिवन है, पीटी गिवन है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस बी, एच ऑफ टी प्लस टाउ डी टाउ, ओके, और आपको बोला है एक्सप्रेस पी टी इन टर्म्स ऑफ वाई टी, ओके, इन टर्म्स ऑफ वाई टी इक्वल टू एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी, ओके. तो ये आपको पी टी गिवन है और आपको बोला है पी टी को वाई टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए, जहां पर वाई टी क्या है आपका, एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी है. क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में देखिए, जो आपका पी टी है, अगर मैं थोड़ा उसे सॉल्व करने के लिए कोशिश करूं तो पी टी जो है आपका वो है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स ऑफ माइनस टाउ प्लस बी, ओके, और हमें एक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए कि वाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ, या आप कह सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ. तो यहां पर या तो माइनस टाउ प्लस बी को मुझे कुछ अज्यूम करना होगा या तो टी प्लस टाउ को कुछ अज्यूम करना होगा. तो मैं यहां पर आपके लिए टी प्लस टाउ को अज्यूम कर लेता हूं कुछ, ओके, तो मैं यहां पर ले रहा हूं आपके लिए टी प्लस टाउ इज इक्वल टू जेड,
ठीक है। तो इस कारण से अब आप देखिए यहां पर अगर आपने t प्लस टाउ को z ले लिया तो यहां पर ये तो हो जाएगा एच जेड, ओके। तो अब आप अगर d टाउ की वैल्यू निकालेंगे तो d टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, d टाउ इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, क्योंकि t प्लस टाउ इक्वल टू z में t तो आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो d टाउ इक्वल टू डी जेड, तो ये आपका आ जाएगा डी जेड। अब आप देखिए यहां पर x ऑफ माइनस टाउ प्लस बी है, तो टाउ की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है आपकी, टाउ की वैल्यू आ रही है z माइनस टी, ओके। तो माइनस टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस जेड, ओके। तो ये कितना हो जाएगा x ऑफ t माइनस जेड प्लस बी, ओके। ये आ गया हम लोग का। लिमिट्स की अगर बात करें तो टाउ की लिमिट थी माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, तो z की लिमिट क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, आप देख सकते हैं टाउ माइनस इनफिनिटी पे z भी माइनस इनफिनिटी होगा और टाउ आपका प्लस इनफिनिटी पे z भी क्या हो जाएगा, प्लस इनफिनिटी। तो आप लिख दीजिए यहां पर लिमिट को भी, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, सेम है आपकी। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो आपका pt आ गया माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट x और h के जो फॉर्म में आया है और जिसमें आपने z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, उसे आपको अब yt के फॉर्म में लिखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें yt के फॉर्मूले से, yt का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, मैं यहां पर x ऑफ t माइनस टाउ h टाउ वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। तो देखिए दोनों pt और yt को आप कंपेयर करिए, देखिए वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन के, चाहे टाउ हो चाहे जेड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या है, एच जेड था एच टाउ है, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स ऑफ टी माइनस टाउ है और यहां पर है एक्स ऑफ टी माइनस जेड प्लस बी, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आपका टी माइनस टाउ होना चाहिए था, ओके, उसकी जगह है आपका टी माइनस जेड प्लस बी, ठीक है। बट यहां पर आप ये नहीं बोल सकते अब कि टाउ की वैल्यू जो है आपकी वो z और b के टर्म में है, नहीं, क्योंकि टाउ की वैल्यू आपको एच जेड से डायरेक्ट दिख रही है, एच जेड एच टाउ, टाउ की वैल्यू तो आपकी z है। अब अगर आप देखें आपको लिखना yt है, इसका मतलब टाउ की वैल्यू अगर z है और यहां पे t माइनस टाउ का टर्म आना है, ठीक है ना, इसका मतलब t की जगह आपका t प्लस बी हो रहा है, t की जगह अगर t प्लस बी होता तो t प्लस बी माइनस z, इसका मतलब t प्लस बी माइनस टाउ, ठीक है ना। इसका मतलब जो आपका pt है एक तरह से वो कितना है आपका y t प्लस बी, क्लियर है अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा आपके लिए टाउ यहां से निकाल पाना बहुत इजी था, h टाउ h z, मतलब टाउ इक्वल टू z था, मतलब t की जगह क्या था, t प्लस बी था, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आपको यहां पर एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ एक्स टी इज आपको गिवन है यहां पर 2, ओके, और एरिया ऑफ एच टी आपको गिवन है 3, और आपको बोला है निकालो एरिया ऑफ वाई टी। सेम कंसेप्ट है यहां पर भी कि जो आपका वाई टी है वो एक्स टी कॉन्वॉल्व विद एच टी है, लेकिन यहां पर आपको वाई टी सिग्नल नहीं निकालना है, आपको यहां पर yt का एरिया चाहिए, ओके। तो ध्यान से देखिए आप, कंसेप्ट तो आप वही यूज कर सकते हैं जो हमेशा करते आए हैं कि yt क्या हो जाएगा आपका xt convolved with ht, या yt का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट x tau h of t माइनस tau d tau, ओके। नाउ अब अगर मैं बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लूं, ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा एक तरह से, लेकिन ये बात ध्यान रखनी होगी हमें कि ये जो पहले वाला इंटीग्रेशन था वो किसके रेस्पेक्ट में था आपका, टाउ के, और हमने एक t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लिया, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखिए जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी है वो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका, एरिया, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एरिया ऑफ वाई टी इक्वल टू, अब अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लूं,
तो एक हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, ओके, और आप लिख सकते हैं एक्स टाउ डी टाउ, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट, यहां पर कितना हो जाएगा एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, ओके, तो एच ऑफ टी माइनस डी टी, ओके। नाउ अब आप देखिए यहां पर आपको ये तो दिख रहा होगा कि एक्स टाउ डी टाउ है, तो इसे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि ये आपका एरिया ऑफ एक्स टी है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है चाहे वेरिएबल टी रखिए चाहे टाउ रखिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं ये टर्म आ रहा है माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टी, ओके। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो आपका एच ऑफ टी माइनस टाउ है, तो अगर मैं टी माइनस टाउ को जेड मान लू यहां पर, तो डी टी कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, देखिए टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो टाउ कॉन्स्टेंट होगा, तो डी टी इक्वल टू डी जेड, और आपकी लिमिट्स क्या होंगी आप ये देखिए, जब आपकी टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी तो जेड भी माइनस इन्फिनिटी होगा, जब टी आपका इन्फिनिटी होगा तो जेड भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्लियर है अच्छे से। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टी, ओके, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ओके, एच जेड डी डेज। नाउ ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एच टी हो जाएगा, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स एरिया ऑफ वाई टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स टी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एच टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है एरिया ऑफ एक्स टी आपका 2 है, एच टी का एरिया 3 है, तो वाई टी का एरिया क्या होगा, बहुत आसान हो गया, अब 6 आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आप कंसेप्ट भी समझ सकें कि आपको एरिया कैसे कैलकुलेट करना है आउटपुट का, जब आपको इनपुट का और इंपल्स रिस्पांस का एरिया आपको गिवन हो, ओके। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही, आज हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं कंटिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन में, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम स्टडी करेंगे, दैट मींस हम लोग अब कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को मर्ज करते हुए एलटीआई सिस्टम का एनालिसिस करेंगे, दैट इज एलटीआई सिस्टम कब आपका स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, कब आपका एलटीआई सिस्टम कॉजल होगा नॉन कॉजल होगा, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ओके, थैंक यू।